लालू रोना। एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड जिसका नाम लेकर अभी भी मैक्सिको के बच्चों को डराया जाता है। और एक वक्त तो ऐसा था जब लाल ओरुना की डर से वहाँ की पेरेंट्स अपने बच्चों को एकांत वाली जगह और खासकर नदियों के पास जाने से बिल्कुल मना करते थे। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन थे ये लाल ओरुना और क्यों लोग अभी भी लाल ओरुना के नाम से इतना ज़्यादा डरते हैं। आखिर क्या है लाल ओरुना की सच्ची कहानी? इस कहानी की शुरुआत मारिया नाम की लड़की से होती है। मारिया एक बहुत सुंदर लड़की थी और उसका सपना था कि उसकी शादी भी किसी सुंदर और बहुत ही अमीर आदमी से हो। और एक बार जब मारिया एक सफ़ेद गाउन पहने अपने गांव में घूम रही थी तब वहां पर एक शख्स था जिसको मारिया पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। और उस लड़के ने मारिया के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखा जिसे मारिया ने मान लिया क्योंकि वो लड़का बहुत ही सुंदर और अमीर था। और फिर मारिया ने उससे शादी कर ली और शादी के बाद मारिया ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और फिर कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहता है पर कुछ सालों के बाद मारिया और उसके पति के रिलेशनशिप में दरार आने लग जाती है क्योंकि अब मारिया का पति मारिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था और उससे ज़्यादा बात भी नहीं किया करता था। वो ज़्यादातर वक्त अपने बच्चों के साथ ही बिताता था और अपने पति के इस बिहेवियर से मारिया को बहुत बुरा लगता था। खैर यहाँ तक तो फिर भी ठीक था पर मारिया को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखा जिसे देखकर मारिया पूरी तरह से पागल सी हो गई और वो किसी भी हालत में अपने पति से बदला लेना चाहती थी और उसे दुख पहुँचाना चाहती थी। मारिया का पति सबसे ज़्यादा प्यार अपने दो बच्चों से करता था और गुस्से में आकर मारिया ने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। और जब मारिया का गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। और फिर वहीं पर मारिया फूट फूट कर बुरी तरह रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी आई मिस हिजॉस, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ओ माई सन्स। फिर मारिया ने अपने बच्चों के दुख में खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बस नदी के पास बैठकर पूरे दिन भर रोती रहती थी और अपने बच्चों का इंतज़ार करती थी। और फिर कुछ समय बाद मारिया ने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पर कहा जाता है कि जब मारिया की आत्मा मुक्ति पाने के लिए हेवन में जा रही थी तो उसे बीच में ही रोक लिया गया और उससे कहा गया कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने दोनों बच्चों की आत्माओं को भी अपने साथ लेकर नहीं आती। और इसके बाद से ही मारिया यानी कि लाल ओरुना की आत्मा इस दुनिया में ही कैद होकर रह गई। वो हमेशा अपने बच्चों को ढूंढती रहती है और कई बार वो दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। मैक्सिको में नदी के पास से बच्चों के गायब होने की कई सारी खबरें आईं जिस पर वहाँ के लोगों का कहना था कि इसके पीछे ज़रूर लाल ओरुना का ही हाथ है। कई सारे लोगों ने लाल ओरुना की आत्मा को देखने का दावा किया है। वो सफ़ेद गाउन पहने ज़्यादातर नदियों के पास दिखा करती थी और लोगों से एक सवाल पूछती थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और कई बार वो लोगों को भी अपने बच्चों की तरह नदी में डुबो दिया करती थी। लाल ओरुना की इस कहानी को कई सारे लोग सच मानते हैं तो कई सिर्फ एक अफवाह। वहाँ पर रह रहे कई सारे लोगों का मानना यह है कि अभी भी लाल ओरुना की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी इस दुनिया में अपने बच्चों को ढूंढ रही है। लाल ओरुना की इस कहानी पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं जिन्हें दर्शकों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था।